की फिटिंग खोलना तो आपको पता ही होगा, दो स्क्रू में यहाँ टाइट रहता है, ठीक है। ये सॉकेट से सॉकेट फ्लैशर लगाना रहता है। ये नौ तार की एक सिंगल सॉकेट, सेल्फ वाली स्विच है जो कि ओल्ड मॉडल लग रही है, किक स्टार्ट गाड़ी है। इसके बाद एक ये हेडलाइट रिफ्लेक्टर लगता है, ओके डाले रहने दो इसको, इसके यहाँ खोज दो, ये ख़राब ही है, रबड़ कटी हुई है ना, ये रबड़ कटी हुई है, लगेगा है नहीं, ऐसे डालना पड़ेगा, ओके छोड़ दो, ऐसे नहीं फंसेगा, रबड़ सड़ गई है ना उसकी, बस गाड़ी पुरानी होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, रबर वगैरह सब सड़ जाती है, फाइबर सड़ जाता है, सूख जाता है, हेडलाइट वगैरह सब तो टूटी हुई है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है शाइन में ही आती है, चोक लीवर के, ठीक है ये दिख रहा है चोक लीवर, ये वाइजर की फिटिंग चालू, हैंडल बार से ऐसे लगेगी, वाइजर बाद में टाइट कर लो, अगर फंसा ही रहता है ये लगेगा ऐसे। प्रॉब्लम होती है, खुद से काम करो, खुद से रिकॉर्डिंग करो, क्या क्या कर लूँगा, अब इतना बड़ा स्टैंड भी नहीं है ना हमारे पास, जगह है इतनी, क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा दोबारा। ये लग गई अपनी स्विच, ठीक है फंस गई, शायद काउल ले आते इसका, स्प्लेंडर का काउल, लंबी प्लेट वाला देखाओ, काले मिलाल स्टिकर, क्या चाहिए भैया, पेट्रोल नहीं बंद हो रहा, डायरेक्ट जा रहा है, ओवरफ्लो हो रही है, बन जाएगा भैया, 5 मिनट टाइम लगेगा, बन जाएगा, 10 मिनट लग गया है। हाँ कार्बोरेटर से ओवरफ्लो हो रहा, चौक केबल लगाओ, अभी तक जिंदा है चौक केबल, सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत सारे गाड़ियों के लिए चौक केबल ही जाम हो जाते हैं, लोग चौक यूज़ ही नहीं करते हैं, इसलिए हो गया, फाइनली डन हो गई है, चौक केबल लगना बाकी, वो मैंने दिखाऊंगा, क्या करूँगा दिखाते, क्या तो आपको बताइए, ये तार है, ठीक है दिख रहा होगा, ये तार ऐसे फंसा के स्क्रू में टाइट हो जाएगा, बस हो गया काम ख़त्म। चल गिर स्क्रू, ये लगना चालू, thank you.
हो गया ठीक है, चलो डन।